Redmi Note 11 में MIUI 14 प्लस Android 13 हमें देखने को मिल गया है, और इसके अंदर हमें देखेंगे कि व्हाट्स न्यू, मतलब नया क्या चीज है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली बात क्या है, इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस टाइप का वीडियो और लाता रहूं। अबाउट फोन के अंदर आप देख सकते हो ग्लोबल वर्जन जो है MIUI ग्लोबल वर्जन 14.0.1 ये सेटअप हमें देखने को मिल जाता है। देन आपको इसके अंदर हमें व्हाट्स न्यू के अंदर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर जून का सिक्योरिटी पैच इसके अंदर अभी फिलहाल अपडेट देखने को मिल जाता है, और ये जो है ना काफ़ी बड़ा था, 3 GB समथिंग था, तो ये काफ़ी टाइम लगा इसको अपडेट होने में। अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो ट्राई कर सकते हो, अभी मैंने 2 दिन हो गया अपडेट किए हुए मेरे फ़ोन को, Redmi Note 11 को, इसके अंदर मुझे अभी तक कोई इशू देखने को नहीं मिला कि भाई फ़ोन के अंदर स्मूथनेस बढ़िया हो रखा है। MIUI 12 के साथ ये फ़ोन आया था और Android 12 के साथ ही आया था, बट यहाँ पर एक एडवांस वर्जन हमें देखने को मिल गया है एंड्रॉइड की तरफ से, जो कि हमें यहाँ पर अबाउट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर अगर वर्जन के अंदर जाते हैं एंड्रॉइड वर्जन के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो एंड्रॉइड 13 आपके सामने देखने को मिल जाता है, और ये थोड़ा सा काफी टाइम लगा बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है। और Redmi Note 11 के लिए MIUI वर्जन 1.5 महीना पहले से ही आपको देखने को मिल गया है, कई सारे लोग अपडेट पहले से कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल वर्जन में आ जाना काफ़ी बढ़िया है। अगर आपने ऑफिशियल वर्जन किया है तो आपके फ़ोन में मेरे ख्याल से 0 इशू देखने को मिलेगा। तो भाई स्मूथनेस काफ़ी बढ़िया आ रखा है, मैंने जब भी इसका ऐप ओपनिंग वगैरह सब कुछ चेक किया और मैं इसका डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें चेंजेस देखने को मिला है। सेटिंग्स मेनू के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, देखो कितने सारे डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और अलग अलग टाइप का आइकन हमें अलग टाइप का देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे बताता हूँ, पहले जैसे नहीं रहा, पहले से अच्छा स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 11 के अंदर और MIUI 14 आने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर दो एप्लीकेशन जो है मुझे नया देखने को मिला हमें MIUI 14 में, यहाँ पर देखो मैसेज एप्लीकेशन, Xiaomi का मैसेज ऐप यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और काफ़ी ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो, इसी को आप डिफॉल्ट बना सकते हो। गूगल का जो SMS आता है तो इसको आप डिजेबल कर सकते हो, ठीक है ना, एक वो एप्लीकेशन था। देन एक ओपेरा मिनी ब्राउजर, ये भी एक आपको अलग से देखने को मिलता है, और दोस्तों ये भी आप आराम से यहाँ से ऑन इंस्टॉल कर सकते हो, ट्राई करेंगे इसके अंदर। देखो यहाँ पर ये जो ब्राउजर को ऑन इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पर अगर ब्राउजर को ओपन करेंगे देखो यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ पे आराम से आप उसको ऑन इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हो, बट यहाँ पर मैसेज के एप्लीकेशन को अगर ट्राई करते हैं तो शायद ये सिस्टम एप्लीकेशन है, ये शायद ये यहाँ से मूव नहीं होगा। अगर आपको दोनों में से किसी एक को रखना है तो आप मेरा एक वीडियो भी पहले भी मैंने बताया हूँ सिस्टम एप्लीकेशन कैसे ऑन इंस्टॉल करना है Xiaomi के डिवाइस में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि अगर ये दोनों में से कोई एक रखना है तो वो एप्लीकेशन को आराम से हटा सकते हो। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, Redmi Note 11 मेरा सबसे प्यारा डिवाइस था क्योंकि यहाँ पर जो ना लुक वाइज काफी अच्छा था, मैंने इसके ऊपर कुछ एक वॉलपेपर सेटअप किया, आइकन सब काफी अतरंगे टाइप का दिख रहा है आप देख सकते हो, और लुक वाइज फील काफी अच्छा लग रहा है। सेटिंग्स एप्लीकेशन जब मैं ओपन करता हूँ अंदर का मेनू सेटअप अगर देखता हूँ तो कलरिंग काफ़ी बढ़िया हो रखा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करना कि ये MIUI 14 में क्या अच्छा काम करेगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में, अभी तक तो कोई मुझे बग वगैरह दिखा नहीं। आप कमेंट कर सकते हो कि आप अपडेट के बाद आपको ये इशू आया है, तो आने वाले टाइम में एक अच्छा सा Q&A बना के हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फोल्डर है तो बिग साइज देखने को मिलता है, तो ये जैसे ये फोल्डर बना हुआ है 2-3 एप्लीकेशन का लगा, इसको लॉन्ग प्रेस करो, एडिट फोल्डर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर 3 टाइप का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, रेगुलर, एनराज और एक्सेल। तो एनराज के ऊपर रखोगे तो कुछ जगह इसके अंदर 3-4 कुछ बड़े हो जाएंगे और छोटे छोटे हो जाएंगे, ये काफी लुक वाइज अच्छा है। MIUI कहीं ना कहीं नया नया डेवलप करता रहता है, नया नया चीजें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा एवरी टाइम, जब भी कोई नया अपडेट आता है उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छा चीजें देखने को मिलता है। यहाँ पर विजेट्स वगैरह भी आप बढ़िया यूज कर सकते हो, क्लिक करके विजेट्स के अंदर कई सारे विजेट्स आपको नए नए देखने को मिलेंगे, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, और मुझे काफी पसंद आया इसका MIUI 14 का विजेट्स, आप भी चेकआउट कर लेना। MIUI 13 में जो था सेटअप उससे काफी बेहतर आपको देखने को मिला है, मैंने पहले भी वीडियो कहीं बना रखा हूँ MIUI 13 वर्सेस MIUI 14, आप भी उसको चेकआउट कर लेना। अगर आप Redmi Note 11 का प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कार्ड पे रहेगा, वहाँ से भी देख सकते हो, इस फोन के ऊपर और भी कई सारे सेटअप मैंने कराया हूँ ताकि आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा। आइकन्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आइकन का सेटअप आप आराम से थीम स्टोर के अंदर जाके बहुत सारे थीम आपको अवेलेबल मिलेंगे, वहाँ पर आइकन वगैरह भी नया टाइप का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। प्रोफाइल के अंदर जाओ और यहाँ पर आपको आराम से आइकन सेटअप यहाँ पे जो भी है उसके अलावा आप यहाँ से थीम स्टोर के अंदर से भी आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो।
थीम के अंदर से आप कोई भी थीम अप्लाई मतलब इंस्टॉल करके उसका पर्टिकुलर, जैसे ये वाला है आप देख सकते हो, ये पिक्सल मिनी नाम से, ये पिक्सल मिनी नाम से ये थीम है। अगर इसको आप यहाँ पे डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। अप्लाई के लिए बोल रहा है, सिंपल आपको कस्टमाइज पे जाइए और अप्लाई आपको सिर्फ आइकन ही कर देना है और अप्लाई कर देना है। इसका जो आइकन जो है राउंडेड आइकन शेप में आ जाएगा, तो आपका लुक वाइज फील कितना बढ़िया हो गया। आपको ये नहीं लगेगा कि ये साउंड डिवाइस है, देखो यहाँ पर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा फील हो रहा हो, बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, काफ़ी बढ़िया। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, पिंच ऑन करता हूँ, तो प्रोफाइल के अंदर जाके वॉलपेपर ट्राई करता हूँ भाई, नया वॉलपेपर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे और अलग टाइप का ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये था डिटेल्स के भाई MIUI 14 प्लस एंड्रॉइड 13 हमें देखने को मिलता है Redmi Note 11 के अंदर। मैंने कुछ चेंजेस नोटिस किया था तो आपको मैंने बताया, आप मुझे कमेंट आउट कर देना कि भाई इसके अलावा कुछ और अगर नया चीज है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बस ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।